क्या कभी आपने सोचा कि जिन भिखारियों को आप भीख देते हैं वो आपसे कहीं ज्यादा अमीर हो? आज हम आपको 5 ऐसे अमीर भिखारियों की मंथली इनकम बताएंगे जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, सिमोन राइट। सिमोन राइट लंदन में रहने वाला एक प्रोफेशनल भिखारी है। सिमोन अपने कुत्ते के साथ लंदन में एक एटीएम मशीन के बाहर भीख मांगता है और ये इसकी फेवरेट जगह है। सिमोन 7 से 8 घंटे भीख मांगता है और वीकेंड्स को भीख मांगने में एक्स्ट्रा टाइम भी लगाता है। सिमोन की सालाना कमाई 50,000 पाउंड है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 1 करोड़ रुपए बनती है। सिमोन लंदन के एक इलाके फुलहाम में रहता है, जहाँ पर उसका अपना जाती फ्लैट भी मौजूद है और उस फ्लैट की कीमत पता है क्या है? 1 करोड़ रुपए। नंबर 2, आयशा। आयशा सऊदी अरब के शहर जद्दा में रहती थी। इनकी उम्र 100 साल थी। आयशा नाबीना खातून थी और इन्होंने कई साल एक फुटपाथ पर भीख मांगी। लोग इन नाबीना बूढ़ी खातून को देखकर ज्यादा से ज्यादा भीख दे जाते थे। आयशा जब बीमार हुई उस वक्त उन्होंने एक वसीयत अपने दोस्त के नाम लिखी और उसे ये ताकीद की कि जब मैं मरूँ तब ये वसीयत पढ़ी जाए। जब आयशा की डेथ हुई और वसीयत पढ़ी गई तब ये मालूम होता है कि आयशा 30 लाख सऊदी रियाल ऑन करती थी, जो लगभग 12 करोड़ रुपए बनते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, आयशा 4 करोड़ जेवरात की मालिकन भी थी। और तो और, आयशा जद्दा के इलाके अल बलद में 4 बिल्डिंग्स की ऑनर थी। आयशा ने मरने के बाद अपनी दौलत उन बेघर लोगों के नाम की जिनको वो जानती थी। नंबर 3, इरविन कोरे। न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला 41 ईयर्स का ये बेगर सड़कों पर भीख मांगता था। इरविन कोरे भीख मांगने के साथ साथ न्यूज़पेपर भी बेचता था। इरविन कोरे जब न्यूज़पेपर बेचता था तब लोग उसे भीख भी दे दिया करते थे। पर व्यूअर्स, इरविन हमेशा से भीख नहीं मांगता था। इरविन एक कॉमेडियन था और उनकी कमाई का जरिया भी कॉमेडी हुआ करती थी। इरविन 5 करोड़ रुपए के घर का ऑनर भी था। इरविन डेली $200 कमाता था और वो कमाई हुई भीख को क्यूबा के एक छोटी चैरिटी में दिया करता था। दरअसल इरविन भीख सिर्फ चैरिटी देने के लिए मांगता था और अपनी जाती एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए वो न्यूज़पेपर बेचता था और जो पैसे न्यूज़पेपर बेचकर कमाता सिर्फ उसी से अपना गुजर बसर करता था। नंबर 4 पर है एक नामालूम शख्स जो सड़क पर बैठकर अपनी बेटी के साथ मैले कपड़ों में भीख मांगते देखा जा रहा है। सर्दी से बचने के लिए इसने अपनी जैकेट अपनी बेटी को पहनाई हुई है और उसी जैकेट की पॉकेट से लटकती हुई मर्सिडीज की चाबी नजर आ रही है, जो इस बात का सबूत है कि ये भिखारी भी काफी अमीर है। नंबर 5 एंड लास्ट, गैरी थॉम्सन। गैरी अमेरिका के शहर लेक्सिंगटन में रहता है और व्हीलचेयर पर भीख मांगता है, क्योंकि गैरी का कहना है कि मैं सही से चल नहीं सकता। गैरी को अपने हाथ यूज़ करने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। देख के ऐसे मालूम होता है जैसे गैरी जहनी तौर पर बीमार हैं, लेकिन भीख मांगने वालों को ये मालूम नहीं कि गैरी माजूर बनने के सिर्फ एक्टिंग करता है। गैरी का कहना है कि वो ईयरली $1 लाख कमा लेता है, जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं।